तो 4s² - 4s+1, पहले हमने क्या कर लिया, उसको उसका नाम दे दिया p ऑफ s, फिर उसको बराबर 0 ले लिया। ठीक है, चलो अब s टर्म में पहुंच जाते हैं। s टर्म में उसका फैक्टर कैसे कर देते, 4 1 4 + 4 4 1 4। अब 4 के ऐसे दो पार्ट्स निकालो कि जिसका एडिशन, क्योंकि 4 पॉजिटिव आया ना इसलिए एडिशन, अगर 4 नेगेटिव आता तो सबट्रैक्शन ले। तो 4 के ऐसे दो पार्ट्स निकालो कि जिसका मल्टीप्लीकेशन, जिसका प्रोडक्ट 4 होता और 2 × 2 और एडिशन -4 आता, बराबर है। तो 2 × 2, अच्छा -4 कहां से दिया मैंने, मिडिल टर्म में से। तो आप सही बोल रहे हो, 2 × 2, और जब एडिशन होता है तो दोनों पार्ट्स का साइन सेम होता है, या तो प्लस या तो माइनस। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस तरह प्लस करके माइनस करें तो मिडिल टर्म का साइन कौन सा है, ये माइनस है तो दोनों को माइनस कर दो, अगर मिडिल टर्म प्लस है तो दोनों को प्लस कर दो। अब यहाँ पे मिडिल टर्म आप देख लो -4 है, मतलब माइनस का साइन है, तो दोनों पार्ट को माइनस में दे देंगे। अगर यहाँ पे +4 होता है तो +2 कर देते। तो यहाँ पे 4s² - 2s वन पार्ट, -2s सेकंड पार्ट, +1 एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज, बस -4s के दो पार्ट कर दिए। ये 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। अब इसमें से कॉमन निकलेगा 2s, तो बच जाएगा 2s - 1। अब इन दोनों में से -1 कॉमन निकालेंगे, जबकि माइनस कॉमन में निकलेगा तो ब्रैकेट में उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो जो -2s है वो प्लस हो जाएगा और जो +1 है वो माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 एज इट इज कर देंगे। अब देखिए, ये एक डिपार्टमेंट ये हो गया और दूसरा डिपार्टमेंट ये हो गया, और दोनों में कॉमन है ब्रैकेट खुद 2s - 1, ये कॉमन निकल जाएगा, तो फिर बच गया यहाँ से 2s और यहाँ से -1 इज इक्वल टू। अब दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब दोनों में से कोई एक ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा ही होगा, तभी तो उनका मल्टीप्लिकेशन 0 होता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2s - 1 इज इक्वल टू 0, या तो फिर और 2s - 1 इज इक्वल टू 0, मतलब एक ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट दोनों को 0 ले लिया। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू 1। तो भी इस पॉलीनोमियल के दो फैक्टर, सॉरी दो जीरो हमको मिल गए, दोनों जीरो सेम ही है, हेंस जीरोस ऑफ p ऑफ s आर 1/2 एंड 1/2, दो जीरो हमको मिल गए। ठीक है, तो एक पार्ट खत्म हो गया, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब आगे बोला है वेरिफिकेशन, अब उसको वेरिफिकेशन करना है, क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन। देखो क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में बोला है क्या वेरीफाई करना है, यहाँ पे लिखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, बराबर। ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपका बोर्ड का क्वेश्चन रहेगा, या तो 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में आपका बोर्ड का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जाते हैं अब नेक्स्ट आगे, तो अब हम जाएंगे उसका वेरिफिकेशन करें। तो आगे हम लिखे उसका हेडिंग डाल देंगे वेरिफिकेशन, या तो रिलेशन शिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। कल मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे, आज वापस पूरा ये करवा लेता हूं मैं, फिर उसके मैं होमवर्क में आपको दे दूंगा। ऐसा हेडिंग डाल दो हम, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, चलो करें आगे। तो देखो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी ऑफ एस इज इक्वल टू 4s² - 4s + 1। ओके, मैंने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवाया था, आपको याद होगा कल मैंने
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा था, एक बार वापस मैं यहाँ पे दोहराता हूँ, p of x is equal to, आपको लिखना नहीं है, ax square plus bx plus 1, sorry, plus c, ax square plus bx plus c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जहां पे x हमारा वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल, हमारा क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है, s है, फिर a, b और c कौन है, तो a है कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, b कौन है कोएफिशिएंट ऑफ y, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x, और c कौन है कांस्टेंट का, कांस्टेंट, तो a कौन है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कौन है कोएफिशिएंट ऑफ x, और c कौन है कांस्टेंट, a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, और c इज अ कोएफिशिएंट कांस्टेंट। अब हमारा इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू 4, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b इज इक्वल टू -4, मतलब s का कोएफिशिएंट, और c इज इक्वल टू 1, मतलब कांस्टेंट। इज इट क्लियर? ये आपको लिखना नहीं है, ये सब मिटा देता हूं मैं। और हमारा वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, s, हमारा वेरिएबल कौन सा है s, ठीक है। चलो अब आगे जाते हैं, कल मैंने दो और चीज बताई थी आपको, अल्फा और बीटा दो जीरो मान लिया था, दो जीरो अल्फा और बीटा है, उसका समेशन माइनस बी अपॉन ए, और उसका मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट सी अपॉन के, याद है ना आपको, कल इस पे बहुत डिस्कशन किया था मैंने, समेशन ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, और ए बी सी कौन है अभी मैंने आपको डिस्कशन कर दिया वापस, ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है कांस्टेंट, ठीक है। कल जिसने क्लास नहीं बार अटेंड किया था इसके लिए सब मैं चीजें वापस बोल रहा हूँ, ओके, जिन लोगों ने कल किया था अटेंड उसको कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, अब हमारे जीरो है 1/2 और 1/2, देख लो ये रहा हमारे जीरो, चलो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, एलसीएम आएगा 2, न्यूमरेटर में बचेगा 1+1, 2/2, बराबर है, तो डिवीजन आएगा 1। अब हमको ये वेरीफाई करना है कि ये जो सम ऑफ जीरोज है क्या वो बी अपॉन ए के फॉर्म में बैठता है, तो उसके लिए मैंने कल आपको और एक ट्रिक बताई थी, आप एक आध दो लाइन नीचे चले जाओ फिर अपना फॉर्मूला लिख दो बी अपॉन ए बराबर सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला। अब हम ऊपर जाएंगे माइनस एज पर फॉर्मूला, बी का वैल्यू -4 ही है आप देख सकते हो और ए का वैल्यू है 4, तो -4 -4 प्लस हो जाएगा तो 4/4 उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आप देखो ऊपर इसका आंसर ऑलरेडी 1 है, तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब एक पॉइंट एक वेरिफिकेशन हमारा हो गया, समेशन ऑफ जीरोस, हमने जो जीरो फाइंड किया था उसका समेशन और एज पर फॉर्मूला माइनस बी बाई ए सेम बैठ गए। अब जाते हैं प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट में कैसे करेंगे, अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1/2 2/1/2, न्यूमरेटर में 1 × 1 1 ही आएगा, डिनोमीटर में 2 × 2 = 4 आ जाएगा। अब ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
अब हमारा जो फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वो है सी बाई ए, सी बाई ए। और आप देख लो हमारा ए बी और सी में ए का और सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू 1 है जबकि ए का वैल्यू 4 है, तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, उल्टा जाएंगे, सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 4, वो भी बैठ गया, मतलब सी कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए मतलब कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया उसका वेरिफिकेशन, यहां तक आपको करना है तब जाके आपको 2 या 3 मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, आ जाओ करो, कम पर कमाल में लिंक नहीं आली ना, कम जरूर आ जाओ, कौन बन से चेतलेट में लिंक तमाल नहीं आली ना, आज आलो को भी ओछा छे, हम 10 मार्क तो करा रहा, कंफ्यूजन कौन है बाकी है तो बोलना है, मैं स्क्रीन ऊपर नीचे कर सकता हूँ, मैं अगर किसी का बाकी है तो बोल देना, सबका हो गया लिख लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। अब बच्चे नहीं आया, थर्ड क्वेश्चन बाकी है, शिवम नो सर, 6x² - 3 - 7x थर्ड क्वेश्चन बताते हैं, 6x² - 3 - 7x ठीक है, इसका नाम हम क्या रखेंगे, p ऑफ x, क्या रखेंगे हम, p ऑफ x, बराबर है, लेट बी p ऑफ x इज इक्वल टू mm स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, मैंने थोड़ा ऑर्डर में रख दिया है, पहले 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 0 डिग्री, बराबर इस ऑर्डर में रख दिया क्योंकि हमको उसी आदत है। ठीक, अब उसका हमको क्या करना है, जीरो फाइंड करना है सबसे पहले, फॉर फाइंड zeros of p of x, p of x का zero find करने के लिए हम क्या करेंगे, taking p of x is equal to zero, p of x को हम zero मान लेंगे, therefore 6x² - 7x - 3 is equal to zero। अब 6 और माइनस 3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 6 3 - 18 क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव मिलेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपको याद रखना चाहिए, अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आता है, अगर दोनों नेगेटिव नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है। देखो वापस समझ लो, दोनों का साइन सेम होता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है, दो नंबर का जब आप मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हो अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव, बट अबे शंकर प्लस, बट दोनों का सॉरी दोनों का साइन डिफर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो फिर आंसर नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव समझ आया, दोनों का साइन सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, और दोनों का साइन डिफर होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 6 और -3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 6 और -3 में 6 पॉजिटिव था और 3 माइनस था, तो 6 3 = 18 बट आंसर आएगा -18 माइनस, और जैसे ही माइनस में आएगा तो हमको जो दो पार्ट बनाने हैं वो दोनों पार्ट का सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन -18 कितना चाहिए, -7 देखो बीच में मिडिल टर्म में -7 तो -18 के दो पार्ट्स ऐसे निकालो कि दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लिकेशन -18 होना चाहिए और दोनों पार्ट का सब्ट्रैक्शन -7 होना चाहिए, तो 9 2 = 18 बराबर है, सब्ट्रैक्शन होता है तो दोनों का साइन डिफर होता है, एक एक पार्ट पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव,
तो सर कैसे हम तय करें कि किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव? तो मिडल टर्म, मिडल टर्म में जो साइन होता है वो बड़ी अमाउंट को दे दो, तो मिडल टर्म है माइनस सेवन एक्स, तो माइनस में है, तो बड़ी अमाउंट को माइनस दे देते हैं और छोटी अमाउंट को प्लस। सपोज यहाँ पे प्लस सेवन होता, प्लस सेवन मिडल टर्म में, तो फिर नाइन को हम प्लस कर देते और टू को माइनस। अब आप माइनस कर सकते हो, माइनस नाइन इंटू प्लस टू, माइनस नाइन इंटू प्लस टू मल्टीप्लाई करेगा माइनस 18, और माइनस नाइन प्लस टू दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस सेवन आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम दो पार्ट किया, एट स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है, ठीक है। फिर आप तो दसवीं में आ गए, बड़ी अच्छी बात। चलो तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये दो पार्ट मैंने कर दिए, ठीक है। नाइन और सर टेंथ वाले भी पास हो गए ना गुजराती मीडियम? हाँ, जो रेगुलर है वो लोग। हाँ सर, गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी हो गए ना, तो भी क्या जो पहले सीबीएसई वाले रिपीटर है वो लोगों नहीं है, रिपीटर वाले का भी डिसीजन नहीं आया है। जो लोग रेगुलर स्कूल में जा रहे हैं उन लोगों को पास, ठीक। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, थ्री एक्स, तो टू सिक्स थ्री जा सिक्स और थ्री थ्री जा नाइन, तो बच जाएगा टू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ तो सर कोई कॉमन निकलने वाला है ही नहीं, तो वन निकाल दो, कुछ नहीं तो वन तो लिख देंगे, कुछ कॉमन में नहीं है तो वन सेम टू सेम लिख दो, हो गया। अभी इन दोनों में से कॉमन कौन निकलेगा? अरे भाई तू तेरा टेस्ट करा ले भाई। नेगेटिव है सर, दो एक सप्ताह पहले टेस्ट करा लिया था मैंने। छुट्टी पे चला गया? अरे ना सर, मैं घर से निकलूंगा नहीं तो कोरोना छुट्टी पे रहेगा। हाँ, चलो ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक ब्रैकेट पक्का वैल्यू जीरो है, तो हम ले लेंगे और करके, या तो पहला ब्रैकेट जीरो होगा तो दूसरा ब्रैकेट जीरो होगा। चलो हम उसका वैल्यू एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो टू एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस थ्री, क्योंकि इक्वल के राइट साइड में कोई भी नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो टू एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स का वैल्यू आ जाएगा थ्री बाय टू। यहां बात करें तो थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस वन, थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा माइनस वन बाय, तो हैंस जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स आर माइनस वन बाय थ्री एंड थ्री बाय टू। चलो दो जीरो मिल गए हमको। अब इन दोनों जीरो का रिलेशनशिप हम वेरीफाई करेंगे, मतलब जीरो और कोएफिशिएंट के साथ दोनों का रिलेशन है, ठीक है। कागज करते हम, रिलेशनशिप सर क्लास कब से चालू कर रहे हो? गवर्नमेंट मोदी साहब का फोन आएगा तब। बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब यहां पे हमारा पॉलिनोमियल कौन सा है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री, तो इसके हिसाब से ए का वैल्यू है सिक्स, बी का वैल्यू है माइनस सेवन और सी कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस थ्री, ठीक है ना। चलो पहला हम टेस्ट करते हैं सम, समेशन, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अच्छा, हमने दो जीरो कौन कौन से निकाले देखिए, हाँ माइनस वन बाय थ्री एक जीरो, प्लस थ्री बाय टू दूसरा जीरो,
इन दोनों का समेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन का एडिशन हम कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे 3 × 2 = 6 एलसीएम आएगा, 2 जो है 1 के साथ मल्टीपल होगा और 3 के साथ मल्टीपल होगा, तो 2 × 1 = 2 बट ये माइनस का साइन है उसको लेकर चलो, 3 × 3 = 9 अब 9 में से 2 चला जाएगा तो 7 बच जाएगा, 7/6 ये हमारा सम ऑफ 0 आ गया। और हम तो b/a से मानेंगे भाई ये ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो दो लाइन हम नीचे खिसक जाते हैं -b/a। चलो माइनस तो है ही फॉर्मूला में, b का वैल्यू बता दो, b का वैल्यू -7 ही है और a का वैल्यू 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा और डिनोमीटर में, अरे डिनोमीटर में 6 तो है, तो 7/6 आंसर आ गया हमारा। आप ऊपर देख सकते यहाँ पे उल्टा लाने का, ऐसा उल्टा देखने का ये आंसर आ गया, ये चेक करें तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक टेस्ट में वो पास हो गया, कौन सा टेस्ट था? सम ऑफ जीरो। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट, अब लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हमारे दो जीरो कौन से थे? -1/3 × 2/3/2 ठीक है ना। हाँ चल, न्यूमरेटर में 3 × 1 = 3, डिनोमीटर में 3 × 2 = 6 ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। पर ये मल्टीप्लीकेशन हमारे फॉर्मूला में बैठता है कि नहीं बैठता है वो देख लेते हैं। दो लाइन छोड़ के चले जाओ, c/e हमारा फॉर्मूला है, c मतलब कांस्टेंट टर्म, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, चेक करो हमारा c कौन सा है? -3 और a कौन सा है? 6 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -3/6। अरे तो आंसर ही सीधा आ गया, अच्छी बात, तो वो तो बैठ गया भाई, ये भी टेस्ट में पास हो गया। लिख दो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मतलब c और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। पहले हम सर थोड़ा ऊपर करो। हाँ सर, और कुछ? नो सर। हम क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल को लेके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेके उसके जीरो फाइंड कर लेंगे। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक में दो ही जीरो मिलेंगे क्योंकि मैंने कल समझाया था लीनियर पॉलिनोमियल में 1 जीरो मिलता है, क्वाड्रेटिक में 2 जीरो मिलते हैं और क्यूबिक में 3 जीरो मिलते हैं, और हमारा सिलेबस में ये 3 ही है, उससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है चले आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, किसी का बाकी है कॉपी करना? नो सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। सुन जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4u² + 8u बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4, आशुतोष (4u² + 8u) ये हमारा क्वेश्चन, इसका नाम हम दे देंगे लेट बी पी ऑफ यू इज इक्वल टू 4u² + 8u। और आपको दिक्कत होता है तो आगे जीरो लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है, अब उसका हम जीरो फाइंड करेंगे सबसे। फॉर फाइंड
zeros of p of u, we take in p of u is equal to zero. ठीक है, तो सर हम लिखेंगे 4u square plus 8u is equal to zero. तो क्रिस, क्रिस को मेरी आवाज आती है? क्रिस? यस सर. हाँ, अब देखो इस जूम ऐप है ना, 45 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाएगा, तो मैं वापस विद इन 1 मिनट में दूसरा लिंक में भेज दूंगा. ठीक है, व्हाट्सएप पे वापस दूसरा लिंक आ जाएगा. अभी 7 मिनट के बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा. ठीक है, ओके ओके सर. और कुछ भी डाउट है तो पुछ लेना, कोई क्वेश्चन में कहां पे डाउट है तो पूछ लेना. ओके, यहाँ पे कॉमन निकलेगा 4u, तो बचेगा u प्लस 2. ठीक है ना, सिंपली. अब देखो यहाँ पे 4u इनटू एक ब्रैकेट है u प्लस 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक का वैल्यू जीरो हो सकता है. तो हम लिख सकते हैं या तो 4u इज इक्वल टू जीरो और u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, दोनों में से एक जीरो हो सकता है, तभी तो उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो हम लिख रहे हैं. तो u इज इक्वल टू जीरो बाय 4, तो u इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा. और इस तरह से देखा जाए तो u इज इक्वल टू जीरो माइनस 2, तो u इज इक्वल टू माइनस. क्लियर? तो जीरोस मिल गए हमको, हैंस जीरोस ऑफ u ऑफ u आर जीरो एंड माइनस 2, ये दो जीरो मिल गए हमको. अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन मैथमेटिक्स में बताया है, उस रिलेशन से वो लोग सही उतरे है कि नहीं उतरे है. तो लिखते हैं सर, एक मिनट और आर को देखने दो ना. हाँ यार, तू भी सर आज बस स्पीड में आप लिख रहे. हो गया सर. तो कल कहाँ गया था तू? सर कल थोड़ा वो मॉल गया था. पूरा मॉल में जाना था, थोड़ा क्यों गया? अरे सर वही थोड़ा, अरे पूरा गया था. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट. सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फंक्शन 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ पे एक टर्म नहीं बोला है, पर हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जीरो लिख देते हैं. पर जो हम तीन टर्म से मतलब हैबिचुअल हो गए, तो तीन टर्म्स अगर होगा तो हमको क्या थोड़ा सुटेबल रहेगा, तो मैंने तीसरा टर्म नहीं दिया तो जीरो मान के लिख दिया. चलो यहाँ हियर a is equal to 4, b is equal to 8, और c is equal to 0. ठीक है, तो sum of zeros is equal to, धीरे धीरे हिना मैं बना उठू. जीरो प्लस माइनस 2, जीरो प्लस माइनस 2, तो इसका आंसर माइनस 2 ही रहेगा. जीरो के साथ कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आंसर तो माइनस 2 ही रहेगा. अब ये चीज हमारे फॉर्मूला में बैठता है कि नहीं बैठता है देखते हैं. दो लाइन नीचे चले जाता है, क्या है फॉर्मूला हमारा? माइनस वी बाय, ठीक है ना. चलो माइनस फॉर्मूला का, बी का वैल्यू 8 और ए का वैल्यू 4, तो माइनस 8 बाई 4. चलो क्या होगा आंसर? माइनस 2, देख लो ऊपर आई आंसर, माइनस 8 बाई 4. आप रिवर्स में जाने का आंसर,
तो यहां हमको मिल गया माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके ओके, अब जाते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब हमारे पास दो ही जीरो है, एक तो जीरो और कौन सा है टू, नहीं माइनस टू। चलो जीरो इंटू माइनस टू जीरो ही होगा, बराबर। जीरो से कोई भी मल्टीप्लाई होगा आंसर के लिए जीरो। तो दो लाइन नीचे उतर जाते हैं, हमारा फॉर्मूला है सी बाई के, हमारा फॉर्मूला है सी बाई के। आप बताओ आपके क्वेश्चन में देखिए सी का वैल्यू और ए का वैल्यू, सी का वैल्यू और ए का वैल्यू जीरो। सर सी का वैल्यू है जीरो। जीरो आप लिखते नहीं हो क्या? हाँ लिखते नहीं हो। हाँ सर सी का वैल्यू जीरो है। हाँ सी का वैल्यू जीरो, ए का वैल्यू फोर, ए का वैल्यू फोर, तो जीरो बाय फोर आंसर जीरो। देखो मिल गया सर, आज सब सो रहे, मैं ही सिर्फ जाग रहा हूँ। वो तेरा फ्रेंड्स आया नहीं आज? हाँ आशु नहीं आया, आशु भी नहीं आया। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय दो तीन, तीन चार लड़कियां भी नहीं आज। हाँ अब एक्स स्क्वायर सब ईद मनाने गए होंगे। चलो चलो आज खत्म करना है भाई, आंसू भी मीटिंग ज्वाइन करके खीर खा रहा है। तो लिख दिया सबने? यस सर। सर आप मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे? क्या मीटिंग रिकॉर्डिंग कर रहे? वो एक लड़की का मैसेज आया था सर आज, वो नहीं होगा ना इसलिए। मैं भी करता हूँ सर, उसमें नेट, उसके घर पे आज नेट नहीं चल रहा है। मैं भी मीटिंग रिकॉर्डिंग करता हूँ। चलो हो गया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर टी है, टी स्क्वायर माइनस 15 करो, ज़ूम करो। ना ना ना, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर 15। क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 50, ठीक है। चलो उसका नाम क्या लेंगे हम? लेट बी, लेट बी खत्म होने वाला है। टी स्क्वायर